अमित शाह जी ने आज बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, मैं खास उनके लिए किया गया है, इसका ये मतलब हुआ। मतलब के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा के ऊपर आपने निशाना साधा है। वो ये बयान कभी ऐसा नहीं देते अगर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। तो अगर लोग कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं और आप मानते हो तभी आपने ऐसा बयान दिया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए, उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज़्यादा मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपके द्वारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, किसी को सज़ा मिल जाए 3 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा, तो कोर्ट से उसको सज़ा का स्टे मिल जाए तो अपना वो नामांकन पत्र भी डाल सकता है, नॉमिनेशन पेपर भी कर सकता है और इलेक्ट भी हो सकता है। मतलब कन्विक्टेड पर्सन ऑल्सो कैन गेट इलेक्टेड, ठीक है। और अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाए तो वो प्रचार भी कर सकता है। चार्जशीट हो जाए, अभी चार्ज फ्रेम ना हो, लेकिन प्रचार भी कर सकता है और नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर सकता है, जैसे ब्रिजभूषण जी। ब्रिजभूषण जी चार्जशीटेड है ना, तो अपने बेटे का प्रचार कैसे कर रहे हैं, किस धारा पे कर रहे हैं, कौन से कानून पे कर रहे हैं, यही कानून। तो एक जिसको सजा हो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करके इलेक्ट भी हो सकता है, एक जो चार्जशीटेड हो वो प्रचार करके नॉमिनेशन करके पेपर फाइल करके इलेक्ट हो सकता है, और जिसके खिलाफ केवल आरोप हो वो प्रचार नहीं कर सकता। अजीबोगरीब बयान है और अजीबोगरीब बात है कि जिसके ऊपर केवल आरोप हो उसको रिहा नहीं मिल सकती कि प्रचार करे, लेकिन जो इनके लोग हैं जो चार्जशीटेड हैं वो प्रचार कर सकते हैं। और जिनके खिलाफ ये बयान देते थे प्रधानमंत्री जी देते थे, वो मिनिस्टर बन सकते हैं, वो इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी को शायद कानून की बातें ज़्यादा मालूम नहीं हैं। अच्छा होता कि कुछ कानून की बातें समझ के शायद वो ऐसा बयान देते भी नहीं। लेकिन अब इलेक्शन का दौर है, मन में जो आया वो कह देते हैं।